बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। यूनिट 3 हम कर रहे हैं, ये है क्लास 5 का मैथ है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन ये होता है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। जैसे 3/4 है और 2/4 है, जब डिनोमिनेटर सेम हो, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, तब क्या करते हैं हम सिर्फ इनको कंपेयर करते हैं आपस में। वी ओनली कंपेयर न्यूमरेटर्स, इसमें जो बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा न्यूमरेटर में से, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। यानी 3 और 2 को कंपेयर करें, 3 जो है वो बड़ा है 2 से, तो हम कहेंगे 3/4 जो है ये बड़ा है 2/4 से, तो हम ऐसे लिख देंगे ये है ग्रेटर दैन 2/4। इसी तरह से एक्सरसाइज 4 है, इसका पहला क्वेश्चन ये जो है इसका सेकंड क्वेश्चन है इसका, जैसे 3/9 और 5/9, इसमें देखना कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। इन डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को कंपेयर करना है 3 और 5 को, न्यूमरेटर्स को। 5 बड़ा है 3 से, हम करेंगे ऐसे करेंगे 5/9 इज़ ग्रेटर दैन 3/9। अब ऐसे 3/5 और 2/5 है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो हमने कंपेयर करना है न्यूमरेटर्स को, 3 बड़ा है 2 से, तो हम ऐसे लिखेंगे 3/5 इज़ ग्रेटर दैन 2/5। लाइकवाइज ये 5/11 है, ये 3/11 है, ये डिनोमिनेटर सेम है, हमने कंपेयर करना है न्यूमरेटर्स को 5 और 3 को, 5 बड़ा था 3 से, हम लिखेंगे 5/11 इज़ ग्रेटर दैन 3/11।